हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम। मुख्यतः देखा जाए तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लेकर कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ के इलाकों से लगाकर भीलवाड़ा, अजमेर तक आज आपको मध्यम से तेज, तो पाली, जालौर और बाड़मेर के कई इलाकों में खंड वर्ष की गतियां, तो उत्तरी जैसलमेर के इलाकों में हल्की वर्ष की गतियां संभावित हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के किन किन जिलों में होने वाली है भारी वर्षा की गतियां और किन किन मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से वर्तमान में हो रही है वर्षा की गतियां, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक सर्कुलेशन वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान के बिल्कुल पश्चिमी भागों से सटे पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, और एक अन्य सर्कुलेशन की बात करें तो पश्चिमी भाग पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है। इन्हीं सर्कुलेशनों के प्रभाव से देखा जाए और पश्चिमी जलधारा की बात करें वर्तमान में सामान्य से ज्यादा दक्षिण होने के कारण राजस्थान सहित दक्षिणी भारत के कई इलाकों में भी WD के प्रभाव से प्लस अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी में बने हाई प्रेशर के प्रभाव से देखा जाए तो इन क्षेत्र में भी वर्तमान में लगातार नमी पहुंच रही है, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्र में कहीं की हल्की से कोई तेज तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं। वर्तमान में बात करें तो राजस्थान के बिल्कुल पूर्वी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी भागों के आसपास नमी पहुंचती नजर आ रही है, जिसके प्रभाव से जालौर के कुछ इलाकों में राजसमंद, उदयपुर से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, दौसा, जयपुर से लगाकर उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों तक आपको घने बादल नजर आ रहे हैं। बाड़मेर के कुछ इलाकों को छोड़कर जैसलमेर और जालौर के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी संपूर्ण राजस्थान में वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंच रही है और इन संपूर्ण इलाकों में वर्तमान में घने बादल नजर आ रहे हैं। और आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर देखा जाए तो जयपुर संभाग के कई इलाकों में, तो कोटा संभाग के कई इलाकों में आपको भारी से बहुत भारी बारिश की गतियां कुछ इलाकों में संभावित है। एक अन्य WD की बात करें तो आने वाले समय में 1 तारीख के आसपास फिर से राजस्थान के कई इलाकों को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। तो वर्तमान देखा जाए तो आने वाले 1 सप्ताह तक संपूर्ण राजस्थान के अंदर आपको बारिश की गतियां देखने को मिलेगी। राजस्थान के किन किन इलाकों में होने वाले बारिश की गतियां और वर्तमान में राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की गतियां देखने को मिल रही है, विशेषतः देखा जाए तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में वर्तमान में घने बादल नजर आ रहे हैं और कई कई इलाकों में आपको हल्की से तेज तो कुछ इलाकों में खंड बारिश के रूप में मूसलाधार बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी बात करें तो कोटा संभाग के आसपास भी वर्तमान में काफी घने बादल नजर आ रहे हैं, विशेषतः देखा जाए तो इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में वर्तमान में नमी पहुंच रही है, जिसके ही प्रभाव से इन क्षेत्रों में बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं। नमी की बात करें तो गुजरात के रास्ते राजस्थान के उदयपुर संभाग से होते हुए कोटा संभाग और अजमेर संभाग से होते हुए बीकानेर संभाग की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सर्कुलेशन की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान के बिल्कुल पश्चिमी भागों से सटे इलाकों पर बना हुआ है। और शुष्क हवाओं की बात करें तो पाकिस्तान से आने वाली शुष्क हवाएं जैसलमेर के इलाकों में, बाड़मेर और जालौर के इलाकों तक पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। और आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान में कोटा संभाग के आसपास देखा जाए तो संपूर्ण क्षेत्र में कहीं की तेज तो कहीं कहीं इलाकों में हल्की बारिश की गतियां तो काफी इलाकों में घने बादल नजर आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, आंसी, जाजपुर, केकड़ी से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, लाखेरी जिलेगा का साक्षू, जयपुर के कई इलाकों में हल्के ऊंचाई वाले बादल तो कई कई इलाकों में 20-20 में खंड बारिश वाले बादल भी नजर आ रहे हैं। झुंझुनू, शुरू, सदासर, श्री डूंगरगढ़, बीकानेर, लोनकरणसर के आसपास इलाकाकर पल्लू, नोहर, भादरा, सूदगढ़, श्री हनुमानगढ़, चेर लगाकर श्रीगंगानगर, गोसाईपुर, खाजवाला, रंजितपुरा, सुरजा, बहला, नौका, फलोदी से लगाकर श्री मोहनगढ़ के आसपास के कई इलाकों तक आपको खने बादल नजर आ रहे हैं। और इन बादलों से कई कई इलाकों में खंड बारिश की गतियां तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं। बाकी देखा जाए जालौर के आसपास से लगाकर तकनी के मध्य कुछ इलाकों में हल्की खंड बारिश की गतियां सिरोही, नैना के आसपास भी देखने को मिल रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो राजस्थान के कोटा संभाग के कई इलाकों में, तो बीकानेर संभाग के कई इलाकों में और जयपुर संभाग के कई इलाकों में आपको भारी बारिश की गतियां, तो अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की खंड बारिश की गतियां देखने को मिलेगी और कुछ इलाकों में तेज बारिश की गतियां तेज अंदर के साथ भी देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर आपके लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।